डॉक्टर साहब, क्या हुआ? एक लड़का है वहां, उसके हाथ पे काफी चोट लग गया है। अरे उसको बाहर क्यों रखा है, ऊपर लेकर आओ। जी, हाँ बस बस बस, हो डॉक्टर गया, साहब, जल रहे हो। बस दवाई लगा दी, ठीक हो जाएगा। यहाँ हाथ लगाओ। हाँ बाहर की नजर आते हो, गांव से आया हूँ। गांव से आए हो और यहाँ अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, कोई किसी का ख्याल नहीं करता यहाँ पे। काम क्या करते हो? काम ढूंढता हूँ। अरे ये भी बहुत बड़ा काम है कि आप काम ढूंढते हैं। नाम क्या है आपका? सत्तू। सत्तू नाम है? सत्तू तो हमारे गांव में खाने की चीज को कहते हैं। लेकिन गांव में मुझे सब सत्तू ही बोल रहे थे। अरे गांव के लोग प्यार से आपको सत्तू बुलाते होंगे। सत्तू जी, मैं आपको कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इनको आज शाम को और कल सुबह गुनगुने पानी के साथ टाइम से ले लीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे कोई बात नहीं। ये चोट कैसे लगी? हाँ चोट? जी चोट। अच्छा, कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद फिर दिखा देना। डॉक्टर साहब, अरे तुम गए नहीं अभी तक? बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है? कुछ काम मिलेगा? भला मैं तुमको क्या काम दे सकता हूँ? कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कपड़े धो सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, सब्जी ला सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, अब चाय भी बना दे सकता हूँ। मैं घर के कुछ भी काम कर सकता हूँ। खाना बना सकते हो? हाँ बना सकता हूँ। चलो आज शाम का खाना बनाकर दिखाओ, अगर अच्छा बनाया तो मैं तुमको काम पे रख लूंगा। और एक बात, मैं तुमको तनख्वाह नहीं दूंगा, सिर्फ खाना दूंगा, चलेगा? चलेगा। अरे सत्तू ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें सुहास कौन चलेगा? सुहास? हाँ सुहास चलेगा। तो सुहास किचन में जाओ और काम पे लग जाओ। ठीक है। डॉक्टर साहब। हाँ जी। खाना खाओ पहले, बहुत देर हो गई है। क्या बनाया है आज? दाल चावल। चावल तो ठीक है, मगर दाल दाल जैसी कहाँ लग रही है। एक काम करो, पानी लेके आओ एक गिलास। ठीक है। पानी पानी पीजिए। ऐसे बनाते हैं खाना? और तुमने तो बोला था कि तुमको खाना बनाना आता है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, गलती हो गई। लेकिन ना बोलता तो आप काम पे नहीं रखते ना डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया। कल शाम को मैं तुमको सिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं। अरे सुहास ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतना छोटा मत काटो प्याज, पकोड़े के लिए हमेशा बड़ा प्याज काटते हैं। ठीक है। अच्छा चलो यार, मुझे कुछ काम भी करना है। कढ़ाई उठाओ। और सुनो ये उंगली देखो, ये इस निशान तक इसमें से तेल निकाल के इतना ही तेल डालोगे, इससे ज्यादा नहीं डालोगे। कौन? अरे भाभी जी आप आइए आइए। बस ये सुबह से इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बोली चलो दिखाऊंगा। अच्छा किया आपने, अंदर चलिए मैं अभी आता हूँ। और क्या चल रहा है आपका? बस थोड़ा सा कुछ काम है उसको कंप्लीट करने में लगा हुआ। अच्छा बेटा लंबी सांस लेना एक बार और। शाबाश, आज खाने में क्या खाया आपने? नूडल्स। नूडल्स? कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ यहाँ। यहाँ पर? हाँ। और आप भी नूडल्स खिला देती हैं बच्चों को? अभी मानते नहीं है ना आजकल के बच्चे। ये कुछ टेबलेट्स हैं, ये सुबह शाम और सिरप, दिन में एक बार।
आपके कितने पैसे? अरे अभी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं, मैं हम हमेशा नहीं, मतलब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, 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 कुछ नहीं, तो नहीं, नहीं। अरे नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, आप तो मेरी भाभी जैसी हैं, आपसे कैसे ले सकता हूँ? बाय सौरभ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक मिनट, पकोड़े बन गए, एक मिनट सुहास, ठंडे हो जाएंगे। वाह, आज सब तो पकोड़े देखने में अच्छे लग रहे हैं। कैसे हुए सुहास, तुम पास हो गए? अरे चाय भी पिलाओ, चाय चाय लो, चीनी एक नंबर। अरे गणपति बप्पा बोल रहा। डॉक्टर साहब एक सवाल पूछो आपको। पूछो? ये दिन रात आप क्या करते हो? ये पढ़ाई? सुहास, बोन कैंसर का नाम सुना है आपने? हाँ, कैंसर, कैंसर मारो मैं ना, मेरे मेरे दादी को भी हुआ था कैंसर। कैंसर नहीं, बोन कैंसर। ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। इसका हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान से बाहर भी कोई इलाज नहीं है। तो मैं किचन में जाके मुझे पता था, गैस मुझे पता था, समझ में नहीं आएगा। गैस की छोड़ो, ये बताओ कभी स्कूल गए? स्कूल नहीं गए कभी। लिखना पढ़ना कभी कुछ सीखा? किसी ने सिखाया ही नहीं। सीखना चाहोगे? जी चाहूंगा, चाहूंगा। कुर्सी लो और साइड में आ जाओ। अभी अभी ध्यान से देखना। हाँ ठीक है, ये हो गया अ अ आ नहीं अ अ अ अ अ से अनार। अ अनार, साफ सफाई की ना। देर से लौटूंगा और बाकी सारा काम अपना अच्छे से हिसाब से कर देना। ठीक है? ठीक है ठीक, चलो ठीक है। सुहास वहां बोल रहे हो? कह रहे खाना लगाओ जल्दी से। हाँ अभी लगा दो। बस, अरे बस क्या कर रहे हो? कहाँ दिमाग रहने लगा इसका आजकल।
कहाँ जा रही है बस? मुंबई। मुंबई जाने का? हाँ मुंबई। 350। कंडक्टर, कंडक्टर गाड़ी रोको, कंडक्टर। सुहास आया। चाय पीओ? चाय पी। आपने क्यों बनाई? मैं बना था ना। कोई बात नहीं, मैं बनाऊं या तुम बनाओ एक ही बात है। ये लो पियो। अच्छा एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं इनको रख लो, काम आएंगे। नहीं पैसे नहीं चाहिए। इसे अपनी पहली तनख्वाह समझ के रख लो, काम किया है तुमने। अरे मैं देर हो रही है मुझे, मिलूंगा शाम को तुमसे। सुहास जी जब बाहर जाना तो पैसा सोच समझ के खर्च करना।